हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब मेरे सब होंगे ठीक ठाक। और भाई, आज का व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ कि भाई हमारा प्लान ये था कि ईद के चौथे दिन जो है ना, हम लोग ईद के तीसरे चौथे दिन था तो बस ये व्लॉग शूट कर लिया था मैंने। तो हमारा प्लान था कि हम लोग जो है ना खाना खाने जाएँगे शनवारी। तो अभी बस हम लोग आए हैं शनवारी पर, तो हमें जगह नहीं मिल रही थी, तो बस इस तरीके की जगह थी कि जहाँ पर दो फैमिलीज़ बैठ सकती थी, तो वहाँ पर हम बैठ गए थे। और बस हम इतने करीब बैठे थे कि यहाँ पर जो है ना बच्चों को राइड्स नज़र आने लगी थी। बस भाई, अब ये सीन था कि बच्चों को राइड्स नज़र आ गई तो बस अब तो लेके जाना उनको मस्ट था। और हसन इतना आगे आगे जा रहे थे जैसे ये राइड पे बिल्कुल बैठेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊँ हसन राइड्स पे बिल्कुल भी नहीं बैठते क्योंकि हसन रोना शुरू कर देते। और फातिमा ने ना यहाँ पे राइड्स देखी और फातिमा ने बस इशारे करने शुरू कर दिए कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, इस पे बैठना है। तो यहाँ पर भाई मैं अब आ गई थी टोकन लेने के लिए, मैंने यहाँ पे टोकन ले लिए। अब जल्दी जल्दी से बच्चों को इस पे बिठाएंगे और अब यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ हसन को भी बिठाऊँगी, लेकिन आप देखिएगा कि हसन ने यहाँ पर रोना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने कॉइन्स ले लिए और पता है आपको, यहाँ पर जो है ना, मुझे जब एक राइड में जब एक कॉइन डलता है ना तब तो ठीक है, लेकिन जब एक राइड में दो कॉइन डलते हैं ना बड़ा दिल दुखता है। हालाँकि इतने महंगे नहीं होते, लगता है पता नहीं कोई पैसे डालने पड़ रहे हैं इसमें। बस ऐसे करते करते फातिमा को यहाँ पे राइड्स पे बैठा, फातिमा को सारी राइड्स पे बैठना था, एक भी राइड इस बच्ची ने जो ना नहीं छोड़ी, सारी राइड्स पे इस बच्ची को बैठना था। फिर मैंने वहाँ का एक टिकट लिया और बतूल जो है ना उसमें चली गई जंपिंग कैसल में। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत बतूल को फातिमा को साथ में बिठा लेते हैं। तो ये यहाँ पर मैं इनको करा रही थी राइड्स और साथ में मैंने इनकी ले ली थी एक पिक्चर। भाई यहाँ पे जो है ना बच्चे एक दूसरे को बॉल्स मार रहे थे, हालांकि बॉल बहुत हल्की थी पर मुझे डर ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे फातिमा को बॉल मार दे, और एकदम स्लाइड भी करके आ रहे थे तो मुझे ये भी डर था कि फातिमा के ना लग जाए। तो मैंने बतूल से कहा आप इन्हें कॉर्नर पर बिठाएं और फिर खेलें। तो माशाल्लाह फातिमा बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि बॉल से खेल के आप लोग देख ही सकते हैं ना। फिर हमने सोचा कि बतूल से कहा कि बतूल ना फातिमा को गोद में लेके और इस तरह से स्लाइड करें, तो उस पर भी मुझे बड़ा डर लगने लगा कि भाई ऐसा ना गिरा दें। और फातिमा ने देखे डर के मारे ना यहाँ पर कान पर हाथ रख लेना है, जिससे पता नहीं क्या हो रहा है क्योंकि पहली बार ही था और पीछे से बच्चे आते हैं तो और मुझे डर लगता है, इनसे ज़्यादा मुझे डर लगने लगता है। तो बस यहाँ पर बतूल जो है जंपिंग कर रही थी, तो बस हमने कहा बस ठीक है जल्दी जल्दी अब बाहर निकलते हैं। और यहाँ पे फिर जो है ना हमें, अच्छा मुझे ये लगा कि भाई बतूल को हम इस पे बिठाएंगे ना तो बतूल, ओ सॉरी, फातिमा रोने लगेंगी और डरेंगी, तो फातिमा तो बिल्कुल भी नहीं डरी और फातिमा मज़े से गोल 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 घूम रही और पलट के सवाल करने लगी कि आपो कहाँ है, आपो जहरा कहाँ है इसमें। हाँ थोड़ा सा बतूल, पता नहीं फातिमा को क्यों डर लगा, क्यों रोई नहीं बैठना था क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। खैर बहरहाल इसमें फातिमा ने रोना शुरू कर दिया। बस फिर हमें वहाँ से आवाज़ दे ली और यहाँ पर आ गया था हमारा खाना। जब भी मैं ऐसी जगहों पे जाती हूँ ना मैं सूप लाजमी पीती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों सूप नहीं था उस वक्त वहाँ पे। तो बस अब हमारा खाना आ गया था, यहाँ पे मैं खाना खा रही थी और यहाँ पे भाभी की मेरी बर्थडे भी थी, तो बस बर्थडे भी हम यहाँ पे सेलिब्रेट उनकी करने के लिए आए थे। पाले बच्चे वो क्या बोल रही है सुन तो ले, पाले बच्चे गोले गोले बच्चे। और उसके नेक्स्ट डे जो है ना हम गए अपनी फूफो के यहाँ, तो बस उन्होंने फातिमा को इस तरीके से चीज़ मंगा के दी, बस वहाँ पे खाना लगा, बस जल्दी जल्दी से खाना खाया हमने। मैक्रोनी थी, बहुत स्पाइसी थी, मज़े की थी, बिरयानी थी। तो बस ईद की तो दावत इसी तरीके से होती है, यहाँ पे कढ़ाई गोश्त था और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये वाला एनवेलप तो बड़ा यूनिक सा लगा, वुड का था, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बना लेते हैं। और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।